उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी हिंसाकांड इन दिनों देश में सुर्खियों में है। ऐसा हो भी क्यों ना, इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा जो मुख्य आरोपी ठहरा है। शायद यही वजह है कि विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर न सिर्फ मोदी सरकार पर हमलावर है, बल्कि मुख्य आरोपी के पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पद से बर्खास्तगी को पुरजोर मांग भी उठाए है। यही नहीं, लोकसभा से लेकर राज्यसभा में ये मसला गूंज भी रहा है। हालांकि इस मसले पर मोदी सरकार कन्नी काटे हुए है, साथ ही वो इस मुद्दे पर संसद में बहस भी नहीं करना चाहती। तभी तो जब भी ये मामला सदन में उठता है तो सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाती है। सोमवार को भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी का मामला गूंजने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। वही जिला जज कोर्ट में इस केस के मुख्य आरोपित मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू की जमानत अर्जी उसके वकील ने तकनीकी खामी के चलते वापस ले ली। हालांकि इस मामले में अन्य साथियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि लखीमपुर खीरे के तिकुनिया हिंसा के मामले में किसानों की तरफ से दर्ज कराए गए केस में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू समेत 13 लोग जेल में हैं। इस मामले की विवेचना में उस समय नया मोड़ आ गया जब 13 दिसंबर को विवेचक विद्याराम दिवाकर ने CGM कोर्ट में अर्जी देकर 379, 338, 304 IPC की धाराओं को विलोपित करने का व धारा 307, 326, IPC 3, 25 व 30 सह पठित धारा 35 आर्स मैक्ट की बढ़ोतरी की मांग की। CGM ने सभी आरोपित को 14 दिसंबर को जेल से तलब किया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद देर शाम CGM चिंताराम ने खीरी हिंसा मामले में विवेचक की अर्जी स्वीकार करते हुए अनुमति दे दी। धाराओं की बढ़ोतरी के बाद आशीष मिश्र के अधिवक्ता ने 17 दिसंबर को CGM कोर्ट में दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की थी जिसे CGM ने खारिज कर दी थी। इसके बाद शनिवार को फिर दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा मोनू के खिलाफ बड़ी धाराओं के मामले में सोमवार को जिला जज की कोर्ट में जमानत पर सुनवाई थी। सुनवाई दोपहर 12 बजे शुरू हुई और 5 मिनट में खत्म हो गई। तिकुनिया कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की याचिका उसके वकील अवधेश कुमार सिंह ने तकनीकी खामियों के चलते वापस ले ली। अधिवक्ता ने शनिवार को जिला जज के कोर्ट में दूसरी जमानत अर्जी दाखिल की थी, लेकिन वकील ने तकनीकी खामियों के चलते मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी वापस ले ली। वहीं जेल में बंद उसके साथियों अंकित दास, लतीफ, सत्यम और नंदन चारों आरोपियों की जमानत याचिका जिला जज के न्यायालय से खारिज कर दी गई।